यार साहब, नवंबर में अमेरिका के अंदर सदारती चूंडू थे वन पे इन वक्त सारी दुनिया के अंदर अमेरिकन इलेक्शंस के वही करो बहस है। अवां सर इन इलेक्शंस के क्या पाया केतरी अहमियत है इन वक्त खिते में अमेरिकन इलेक्शंस की? अमेरिका आलमी ताकत है, उन्हें जो अंदरूनी जी डायनेमिक्स है पॉलिटिक्स जो उनको घो तब्दीली अचे थी सा डोमेस्टिक इशूज के करे अचे थी। सही। तकरीबन जेका फॉरेन पॉलिसी है सा मोर और लेस उन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट हलाए थी। अच्छा। थोड़ो नुआंस जो फर्क पे तो जैमें ऑफकोर्स ट्रंप जो है एक लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ उम्मीदवार हो जैं पंजो छापो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी से विधो जैमें उन पा ट्रुप्स विदड्रॉ कर ऐलान किया तो जी भी गैर जरूरी चंगू आज जिनमें अमेरिका जो ग्रुप्स हैं या पैसा खर्च कन था तो उन्हें वापस विदड्रॉ कर उनमें अफगानिस्तान जो फैसलो कई उन्हीं फैसले के वरी डेमोक्रेट्स आया तो बिन जो बाइडन के उनके इम्प्लीमेंट करो पे सागी तरह से चाइना के हवाले से उनकी तमाम सख्त ये किस्म की पॉलिसी हुई जैमें जो नारो हो अमेरिका फर्स्ट उन लिहाज से तमाम घड़ी पाबंदियों मड़ियों लेकिन तुम इसी दिसंदा हलो गाल तो वे जी पाबंदियों मड़ियों ट्रंप पांजे दौर में उही हलंदी रही बल्कि अभी तकदीर थियं जो बाइडन के जमाने में इन जो मतलब यो थो पॉलिसी जो कंसेंसस है बिन्हीं पार्टीज में जैसे उनो नेशनल इंटरेस्ट है। सो मुझे ख्याल में ही घो इंटरनल जो डायनेमिक्स है पॉलिटिक्स की जैमें वाइट जो नेशनलिस्ट हैं जो कंजर्वेटिव है लॉबी उ कें तरह से वरी जो लिबरल जो सेगमेंट है इनकी सोसाइटी जो एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल उनमें कॉन्टेस्ट है उनमें ट्रंप जड़ो कर कुछ रिजेंटमेंट घनी सारी हुई भी जैसे इन कैपिटलाइज किया है जैमें जॉब्स को जी वाइट घट घट पढ़ल जी मजदूर तबके जहा हुआ खासकर उन्हें जी चाहिए रस्ट बेल्ट जी पे इंडस्ट्री होंगी इंडस्ट्री ना है खास तरह ये जी गाल डिसएग्रीमेंट है बिन्हीं पार्टियों जो वो है इमिग्रेशन जो तमाम घनी इमिग्रेशन थे पे थी इलीगल लीगल सब पी थी हले खास तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का मैक्सिको पेट्रोरिका तमाम जी से हंड्रेड थाउजेंड जी अचन था। सो देर विल बी दिस नुआंसिस सो अगत हली तो केर तो कटे एडॉप्ट कर विल हैव टू वॉच एंड सी। अच्छा जी आर बलो साहब, जैसे भी अमेरिका के अंदर सदारती चूडू थन्दून तो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान सभी को फोकस हों तो फॉरेन पॉलिसी से सदर कड़ी फॉरेन पॉलिसी खड़ी अचे तो सदारती उम्मीदवार जो भी आए जो इलेक्शन कैंपेन करे तो इन वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जी इलेक्शन कैंपेन अगर नजर वजूँ तो चे तो चाइना जो प्रेसिडेंट मुझे दोस्त है वरी बे पास उन हमलो भी थो जो चवन है जैसे ईरान मुख्य कत्ल कराए तो मुख्य यकीन है अमेरिका उन सफाया से मिटाए छी अव समझो पा जैसे ट्रंप एक भेरो बीहर जैसे सदर थी वे तो उन टुवर्ड्स ईरान उन पॉलिसीज सो ये सब जी स्टेटमेंट्स हैं से एक लिहाज से इलेक्शन के हवाले से उनका जी ऑडियंस ट्रंप जो उन तरफ है जी एक्सट्रीमिस्ट हैं जी प्रो इजराइल हैं एंटी ईरान हैं तो उन्होंने वो हाँ जैसे वो बनी तो वे प्रेसिडेंट देर आर मेनी कंस्ट्रेंट पूरी दुनिया जो कंस्ट्रेंट थे तो दुनिया के पब्लिक ओपिनियन जो थे तो जो लॉबीज है उनको थे तो जरूरी को ये स्टेटमेंट ही असा के एक लिहाज से इंडिकेशन दियन था तो जाहिर है वाकई अड़ी किस्म की पॉलिसी इख्तियार कह।
सही लेकिन यह गाल दुरुस्त है तो जो को अंदाज मुख्तलिफ है अनप्रेडिक्टेबल है तमाम एक रेस्ट्रिक्ट जो एक सख्तगीर किस्म जो जो अटरेंस जी खास तरह जी स्टेटमेंट्स हैं तमाम घरों अणवणंदड़ भी हैं काफी हद काफी मानन के लिए सो अस जरूर दिसंदासीं लेकिन जी फंडामेंटल पॉलिसीज होंगे उनमें काफी सारो इनपुट बेन इंस्टीट्यूशन जो है जी अस मुल्क में चवंदा आयूं कि इंस्टीट्यूशन जो है सही तरह से अमेरिका जब भी पाया इंटरेस्ट आज लॉबीज हैं पाया सेंटर्स ऑफ पावर है या सब्सटेंस को चेंज थे स्टाइल जरूर चेंज थो उनकी पॉलिसी जो सो आई थिंक जो भी धुर आई पावर में दुनिया उन लिहाज का जो असल मसला दुनिया जहा उ गंभीर रहंदा जो अंदरूनी तरह से कुछ तब्दीलू अचन जो उन लिहाज का तो मे बी जो उनको मसलो है एबॉर्शन से उनमें जैसे डेमोक्रेट आया हारिस कमला हारिस तो चवे थी नो वे आई विल नॉट अलाउ एनी पाबंदी उत्तर माता कत को करी पर जैसे ट्रंप अची वो तो सख्त वीर उनका गुड सुप्रीम कोर्ट जहाँ जजिस भी उनका गुड मिलल वो लॉबीज आज कंजर्वेटिव सो अभी तरह इमिग्रेशन में मे बी देर बी डिफरेंट इन द पॉलिसी बिन्हीं के लिए जो डेमोक्रेट हैं मोर लिबरल वो चवन था इमिग्रेशन डाइवर्सिटी जेंडर ये जो मोर जो एक्सक्लूसिव पॉलिसी जैसे वो ना चाहन तो घा मू अचन अमेरिका में अलरी घा बार इन तरीके से जो ओरिजिनल जो पावर में आज वाइट उन्होंने पावर से भी उन्होंने जॉब्स से उन्होंने ओवरऑल डेमोक्रेसी से जो है सो असर पवो सो ये फर्क नॉन वॉन्स